भी रुकना पड़ेगा किसी ना किसी जगह पे यार, बहुत जोर से बारिश चालू हो गया है भाई। हमार हाँ के काटा लगा गो के काटा लगा না না মনে করা কি আছে ইটস ওকে একটুখানি যে বোঝা যায় ওরা ভর গোটা মাল থেকে আমরা তো ফাটিয়ে দেবে ভাবে কি হবে একটুখানি পার্কিং দিয়ে রেখেছো তার পাশে নো পার্কিং এ বলে দাও লেখা আছে কার পার্কিং পাশে নো পার্কিং এর गाइस देख सकते हो यार आगे का जैम। देखो यार दुर्गा पूजा के टाइम पे ना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे सारे पुलिस वाले बस बोल रहे हैं भैया आप जैसे भी चलाओ चलाओ लेकिन ओवरटेक मत करो। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। सो गाइस आज है अष्टमी, आई होप आप सब लोगों ने दुर्गा पूजा इस बार अच्छे से इंजॉय किया है और आगे भी करोगे। देख सकते हो गाइस रास्ते को कितने अच्छे से सजाया गया है यार, और मतलब यही होता है दुर्गा पूजा में। पहले तो ऊपर से आप देख सकते हो इतना जैम है, ठीक है, ऊपर से कॉन्टिन्यूसली बारिश गिर रहा है। देखो गाइस ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है, जितना भी बारिश हो कोई बात नहीं, लेकिन घूमना है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देख लो, और अभी जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है और ये पूरा मतलब 50% भीग चुका है, मतलब ये आधा पूरा भीग चुका है अभी। आज कुछ भी हो जाए गाइस मैं आज ज़ोर से नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाए ना तो फिर मतलब गिरने का चांस रहता है। आराम से चलाएंगे, आराम से ब्लॉक करेंगे, तो बारिश पे निकल जाना ही सबसे बेस्ट है गाइस। मतलब अभी इतना ज़ोर से बारिश, देखो यार कितना ज़ोर से बारिश चालू हो गया अभी यार। गाइस अभी रुकना पड़ेगा किसी ना किसी जगह पे यार, बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गया है भाई। अभी अगर ना रुका ना तो फिर मतलब अलग सा हादसा हो जाएगा फिर तो। A little longer than a few minutes later. तो गाइस जैसे देख सकते हो अभी फिलहाल बारिश थोड़ा कम हुआ है। हमार हाँ কে কাটা লাগাবে গো, কে কাটা লাগাবে, কাটা লাগিয়ে দেবে তাই? কোথায় স্যার বলুক, স্যার 10 টাকা করে পার্কিং? আমি 5 মিনিটও দাঁড়াইনি, জোরে বাড়ি বৃষ্টি নামছিল তাই। সবাই ভিজে গেছে, এই লেপসের টিসের প্যাকেট দিন না। এন তোমার 10 টাকা তুমি বললে, এন একটা করে প্যাকেট রাখো, এন প্যাকেট চিপস খাও, চিপস এলো, এন ওই দাও, তুমি দাও, তুমি দাও, তুমি দিয়ে দাও, তুমি দিয়ে দাও, যাও না না মনে করা কি আছে, ইটস ওকে। বলছে স্যার বলেছে আমি যেখান দিয়ে পাঠাবো, যে রাস্তা দুখানা ছিল সেটাও বন্ধ করে দিল। হ্যাঁ ওটাই, মতলব কি হাল হুয়া ইসকা। और मेरा टी शर्ट देख सकते हो, ये देखो पूरा भीग चुका है ये टी शर्ट। तो अभी तो फिलहाल बारिश रुक चुका है और अभी फ़िलहाल मैं निकल जा रहा हूँ यहाँ से। कोलकाता में जितने भी सारी कोलकाता पुलिस वाले हैं, मतलब वो लोग सब हैट्स ऑफ है सब लोगों को यार। हम लोग तो घूमते हैं पूजा के टाइम पे, हम लोगों का तो इस पूजा के टाइम पे छुट्टी भी नहीं मिलता यार। पूरा मतलब रात ऐसे खड़े होके यार पूरा सिग्नल पे मतलब पूरा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं वो लोग, हैट्स ऑफ। मतलब जितने भी सारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं सबको हैट्स ऑफ यार। देखो यार लेफ्ट साइड पे मतलब कितने सारे लोग, देखो यार मतलब सब निकले रात को यार, और अभी फ़िलहाल इतना ख़तरनाक बारिश हुआ है यार। जितना भी बारिश गिरे यार सबको घूमना है भाई।
क्योंकि ये दिन दोबारा लौट के नहीं आएगा भाई। गाइस देख सकते हो, मतलब काफी जोर से बारिश हो रहा है। ये देखो यार, ये सबसे बढ़िया है भाई। और शेडो, फिलहाल हम दोनों अभी यहीं पे रुके हैं, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो भीग के बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है मेरे को, पता नहीं यार। यार मैं तो आ चुका हूँ मैडक स्क्वायर पे, और मतलब देख सकते हो लाइटिंग कितना खूबसूरत लाइटिंग किया है यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। मैडक स्क्वायर एक ऐसी जगह है कोलकाता पे, मतलब यहाँ पे जितने भी सारे मॉडल या फिर बोल सकते हो फोटोग्राफर या फिर बोल सकते हो जो मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, मतलब इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोग आपको यहीं पे मिलेगा। फिलहाल मतलब मैडक स्क्वायर में बेसिकली मैडक स्क्वायर क्या है, मैडक स्क्वायर एक मार्ट है ठीक है, और मार्ट के अंदर में मार्ट के बीचों बीच पूरा पूजा होता है ठीक है। और अभी बारिश का टाइम है तो मार्ट पूरा भीगा होगा, मैं सोच रहा हूँ जाऊँ के या फिर ना जाऊँ। तो गाइस मतलब कितना खूबसूरती से, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, जस्ट ऑसम गाइस, जस्ट ऑसम। आगे का रास्ता फाड़ू है गाइस, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी वजह से मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ गाइस कि मतलब कोलकाता ऐसा सिटी है ना, मतलब स्पेशली फेस्टिवल सीजन में, मतलब जब दुर्गा पूजा या फिर किसी भी फेस्टिवल होता है ना उस टाइम पे, मतलब ऐसा लगेगा कि आप वो जगह पे आए नहीं हो। मतलब ये जगह नॉर्मल टाइम पे एक अलग दिखता है, और अभी फेस्टिवल के टाइम पे पूरा सीन ही अलग है भाई। तो ये अच्छा, मतलब बहुत खूबसूरत हो जाता है कोलकाता फेस्टिवल के टाइम। सो अभी बजा है गाइस 1:30, और जब से ये जर्नी शुरू हुआ है गाइस, मतलब जब मैं घर से निकला 10 बजे, तभी से लेकर अभी तक मतलब 1:30 बजे तक टाना बारिश हुआ है गाइस, और मैं पूरा भीगते हुए टोटल राइड किया 10 से लेकर 11, 12, 1:30, मतलब 3.5 घंटा गाइस ऐसे भीगते हुए मैंने राइड किया। मतलब ऐसे बारिश में बाइक राइड बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब 3-4 दिन बाद घर पे मम्मी के पास जाके ये करता हूँ, और उसके बाद मम्मी डंडा निकाल के बहुत मार मारती है ठीक है, डंडा चलता है, जूता चलता है, चप्पल चलता है, सब कुछ चलता है ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। मतलब ये सब पार्ट है यार लाइफ का। आज मेरा बर्थडे है, इसे ले जाओ और कमेंट सेक्शन में विश भर दो यार, उसका बर्थडे होता है, उसका एक विश होता है। तो मैं बस आपसे, बस आप सब लोगों से यार एज ए बर्थडे बॉय एक ही चीज़ मांगता हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो, थोड़ा लाइक कर दो यार। और फिलहाल इतना ही काफ़ी है इस बर्थडे बॉय के लिए। तो यार मतलब देख सकते हो रिएक्शंस, देखो अभी, और रिएक्शंस को बस इंजॉय करते रहो। मतलब आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है ठीक है, आपको दिखेगा मतलब। और यहाँ पे देखो कट रहा है चालान, मेरा हाथ देखो गाइस, मतलब देख सकते हो ये सब जगह क्या हो गया है। मतलब 4 घंटे से राइड कर रहा हूँ ठीक है, मतलब पानी में पूरा भीगा हुआ है मेरा हाथ पूरा, और ये टी शर्ट देख सकते हो पूरा भीग चुका है। बाइक का हालत देख सकते हो, मतलब क्या हालत हो चुका है भाई। चलो सिग्नल हो चुका है, अभी भी कम से कम मुझे 1.5 घंटा राइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा घर आएगा। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है क्योंकि मेरा टी शर्ट पूरा भीगा हुआ है। The next day. तो आज लास्ट दिन है दुर्गा पूजा का, मतलब नवमी है, मतलब डे नाइट। और गाइज मैं अभी आ चुका हूँ दमदम एयरपोर्ट के सामने, लेफ्ट साइड पे ही है दमदम एयरपोर्ट, और मुझे अभी आगे जाना है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ इको पार्क की तरफ। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू यार, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब रास्ता देखो यार, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी फिलहाल। और ऐसा जो लाइटिंग किया हुआ है ना, ये पूरा दिवाली तक पूरा रहेगा। कभी कभार ना कुछ कुछ एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि R15 का जो साउंड है ना, वो मतलब हंसने वाली बात है, लेकिन यार कुछ हद तक मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि ये सुपर बाइक जैसा फील देता है यार। इसका राइडिंग पोस्चर तो है ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यार, उसके साथ साथ साउंड भी लाजवाब है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार इसका साउंड। मतलब रास्ता इतना एम्प्टी है ना, शायद ये भी एक कारण है यार मज़ा मतलब आने का, रास्ता इतना एम्प्टी इसी वजह से अच्छा लग रहा है।
রেস করবে নাকি? রেস করবে, রেস করবে, চলো রেস করি। আরে নেই ইয়ার, মানে তো গলত থা ইয়ার, ইয়া পে তো পুরা ভরা হুয়া হ্যায় ইয়ার ইকো পার্ক, মতলব লোক ইয়া পে ঘুমনে আয়ে হ্যায় ইয়ার, এসে নেই হ্যায়, ঠিক হ্যায় না? एक चीज़ है गाइस, R15 का जब पिकअप जब आप छोड़ते हो ना, उस टाइम पे जो आवाज़ आता है ना, वो लगभग मतलब उसमें थोड़ा बहुत बेस होता है, जैसे सुपर बाइक के साउंड में जो बेस होता है ना, वैसा बेस एक होता है यार। उस टाइम ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये शायद सुपर बाइक का साउंड है, ऐसा मतलब होता नहीं है, ठीक है ना? साउंड के बात कर रहा था गाइस, ये वाला साउंड, मतलब ये छोड़ने के टाइम पे जो हल्का सा साउंड आता है ना बेस टाइप, मतलब इसमें थोड़ा बहुत तो लगता है कि सुपर बाइक है। और R15 का ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। काश मेरे पास एक सुपर बाइक होता गाइस, तो यहाँ पे मतलब इस टर्नल पे मैं बूम बूम कर सकता।